आजमगढ़ जिले के विकास खंड रानी की सराय क्षेत्र के मोमारिचपुर ग्राम सभा में कोटे का चुनाव किया गया। रानी की सराय विकास खंड अधिकारी संगम सिंह मौर्य की उपस्थिति में यह चुनाव संपन्न हुआ। उन्होंने ग्राम सभा मोमारिचपुर में पहुंचकर लोगों को कोटे के लिए आवेदन करने के लिए कहा। पूरे ग्राम सभा से मात्र एक ही आवेदन रीमा भारती के नाम से आया, तो खंड विकास अधिकारी रानी की सराय संगम सिंह मौर्य ने उन्हें निर्विरोध चुने जाने की घोषणा करते हुए कहा कि रानी की सराय ब्लॉक अंतर्गत इस ग्राम सभा में जो कोटे का चुनाव हुआ है, इसमें ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से रीना भारती को चुना गया है। वहां पर उपस्थित एडीओ गौरी शंकर भी मौजूद रहे, ग्राम सभा प्रधान भी मौके पर मौजूद रहे। उपस्थित लोगों से बात करने पर लोगों ने कहा कि हम लोग इनसे पहले जो कोटा चला रहे थे उनसे पूरी तरह से त्रस्त थे, लेकिन इस बार जो कोटे का चुनाव हुआ है हमें उम्मीद है कि अब हमें परेशानियों से निजात मिलेगी और हम लोग काफी खुश भी हैं। जिस तरह मुझे सब लोग सम्मान के साथ चुने हैं, उस तरह मैं सारे गाँव वासियों का की सेवा करूंगी और जो उनका हक है और जो उनका ईमानदारी के साथ दूंगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ग्राम पंचायत ममारिकपुर में कोटे के चयनित बैठक पर की गई थी। तो यहाँ पर एक आवेदन आया मात्र, जो कि जैसा कि आप जानते हैं शासन की मंशा है कि समूह को प्राथमिकता दी जाए, तो यहाँ पे पहले से प्रचार प्रसार किया गया था। एक सावित्री बाई फूले स्वयं सहायता समूह की तरफ से समूह के लोगों ने आवेदन किया, उसमें सर्वसम्मति से सभी लोग रीमा भारती जो उसकी सदस्य हैं उनको नामित किए हैं, और गाँव वाले भी लगभग 300 लोग जिन्होंने हाथ उठाकर भी इनके पक्ष में मतदान किया हुआ है, तो इन्हीं का चयन रीमा भारती जी का किया गया।